गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, धन्नू ट्यूटोरियल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का जो आप लोगों ने बीएड कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई आवेदन किया था उससे रिलेटेड एक अपडेट लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, आप सबका एडमिट कार्ड आ चुका है। आप लोग नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के, जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता है कि आज 10 तारीख हो गया और 15 को एग्जाम है, सिर्फ आपके पास 4 दिन बचे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है टॉप 10 और 10-15 क्वेश्चन जो है जो आपको बीएड एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ वो 10-15 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा कि जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूँ और उसे डिस्कस करने का कोशिश करूँगा मैं आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सेकंड दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, शुद्धकर्ता का मुख्य गुण क्या होता है? तो शुद्धकर्ता का जो मुख्य गुण होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को देख के लगेगा कि चारों ऑप्शन सही है, लेकिन आप लोगों को इनमें से भी सही आंसर को डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मन की चंचलता, व्यवहार में रूखापन और परोपकारी। शोधकर्ता का मुख्य गुण ये होता है, मन की चंचलता होता है। मन अगर चंचल मन का होगा तो वो शोध कर सकता है, व्यवहार में रूखापन उसके होना चाहिए और परोपकारी होना चाहिए, तभी जाके वो एक शोधकर्ता कहलाएगा। इसके बाद शिक्षक के समय विचार संचार द्वारा छात्रों पर प्रभाव डाला जा सकता है या नहीं, ये यहाँ से आप लोग से क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब जो शिक्षण आप लोग एक आप टीचर पढ़ा रहे हैं तो अपने विचार संचार के द्वारा छात्रों पर आप प्रभाव डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, तो इसका आप लोगों को, और डाल सकते हैं तो कैसे डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया, मनोवैज्ञानिक, सामान्य, दलगत या शैक्षिक। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो आप लोग एज ए शिक्षक जो छात्रों पे आप लोग प्रभाव डालते हैं वो होता है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ए, मनोवैज्ञानिक। SITE से क्या तात्पर्य है? SITE से क्या तात्पर्य है? तो SITE का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया आपसे, तो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी सहायता करती है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो होती है वो सहायता किस चीज़ में करती है? तो शिक्षण को उपयोगी बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी कब से पुकारा जाने लगा? जो रेडियो प्रसारण है उसको आकाशवाणी कब से कहा जाने लगा? तो वर्ष 1957 से। ठीक है, 1957 से रेडियो प्रसारण को आकाशवाणी कहा जाने लगा। दूरदर्शन का पहला प्रसारण भारत में कब प्रारंभ हुआ था? दूरदर्शन का पहला प्रसारण भारत में कब प्रारंभ हुआ था? तो फिर दूरदर्शन का पहला प्रसारण जो है सन 1959 में हुआ था और 1957 में रेडियो प्रसारण को आकाशवाणी कह के पुकारा जाने लगा था। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है एक सहकारी संस्था है। ठीक है, निगम कंपनी या बोर्ड नहीं है, यह एक सहकारी संस्था है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस क्षेत्र पर मुख्य जोर दिया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस क्षेत्र पर मुख्य जोर दिया गया है? तो वो जो है आप लोगों को व्यवसायीकरण पर, व्यवसायीकरण पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ का वह केंद्र, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा 8-10, ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक जितने बार भी आप PPS 10 ईयर में क्वेश्चन पे एग्जाम हुए हैं, इन 10 क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देखने को मिला है। तो चलिए, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग गुरुत्व केंद्र कहते हैं, ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एक जेट इंजन, ये सबको पता होगा कि कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, जड़त्व आघूर्ण क्या है? जड़त्व आघूर्ण क्या है? तो एक टेंसर है। ठीक है, सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि। यहां पे अगर आप लोगों से राशि पूछा जाता, ठीक है, तो सदिश अदिश आप बता सकते थे, सदिश अदिश दोनों हैं। ठीक है, नहीं है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से एक टेंसर है। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण क्या है? तो एक टेंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मनुष्य के शरीर का जनरल जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो मनुष्य का जनरल टेम्परेचर आप सबको पता होगा 98 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। गर्म पानी की बोतल में अन्य द्रव के स्थान पर पानी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि?
गर्म पानी की बोतल में अन्य द्रव के स्थान पर पानी का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। निम्नलिखित में से किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो ये सबको पता होगा कि आकाश नीला प्रकीर्णन के कारण ही, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप देखिए, आकाश का रंग नीला है क्योंकि, आकाश का रंग नीला है इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका मुख्य कारण जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है धूल के कणों के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। यही कारण है कि आकाश का जो रंग होता है वो नीला दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग जो किया जाता है वो आप लोग को जीवाश्मों का आयु निर्धारण के लिए किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, सबको पता होगा, जे.जे. थॉम्सन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, ठीक है। कास्टिक सोडा बिलियन किसका शोषण करेगा? कास्टिक सोडा का जो बिलियन होता है वो किस चीज़ का शोषण करेगा? तो कास्टिक सोडा का जो बिलियन होता है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करता है। निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा अंडा पाया जाता है? तो सबसे बड़ा अंडा सबको पता होगा कि शुतुरमुर्ग का पाया जाता है। ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है किस चीज़ का? ऑर्निथोलॉजी अध्ययन किस चीज़ का कहलाता है? तो पक्षियों का होता है ऑर्निथोलॉजी, कीटों का होता है एंटीमोलॉजी। नेक्स्ट, द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की थी, ठीक है, मतलब जो द्विनाम पद्धति थी उसे सबसे प्रथम शुरू की थी लिनियस ने, ठीक है। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो कोशिका सिद्धांत सबको पता है कि रॉबर्ट हुक ने प्रस्तुत किया था। नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो नारियल का खाने योग्य जो भाग होता है आपको भ्रूणकोश होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मेरे पास 10-15, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और इन सभी क्वेश्चंस को फ्रेंड्स आप लोग एक बार देख लीजिए एग्जाम में जाने से पहले। मेरे हिसाब से ये सब क्वेश्चन से आपको 15 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को 100% मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।